एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। बोला वो फिल्म कारू की छटरी बरे नक कटा की। बोले शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते बर्बाद जाएगा। ससुर की नक कटा मोरे लवा में छटरी ना तोरी बार दे। कहते शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बर्बाद जाता है। अरे हम कहते एक नहीं 25 लीटर चढ़ाओ। जन्नत के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत में बिला हिसाबो किताब नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन। और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आमीन। देखें जी जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो वुजू करने के बाद एक दफा पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। इससे यह पता चल गया जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। और सूरतुल हिजर में आया है कि दोजख के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उसका हिस्सा मखसूस है। सूरतुल हिजर पारा नंबर 14 में जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोजख के 7 दरवाजे। ठीक हो गया जी। और हर दरवाजे के लिए हिस्सा मखसूस है। बोले आउज़ु बिल्लाहि तआला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आमीन। क्या गलाफे काबा पर इतना पैसा लगाना दुरुस्त है? गलत है। मेरा तो बहुत पहले के लिए पाया हुआ है कि क्यों पैसा जाया कर रहे हैं गलाफे काबा के ऊपर इतना जुल्म है। यानी सोने की तार के साथ आप उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के और एंड पे क्या करते हैं? गरीबों में नहीं बांटते। चलो ये होना कि बाद में भी जो गुलाफे काबा के टुकड़े हैं वो भी हुक्मरानों को गिफ्ट कर रहे होते हैं। सर उस पैसे के साथ आप गरीब बंदों की मदद कर सकते हैं। अगर ये सोने की तार से तो साहबा इकराम करते हैं। तुहाडे कोल तो सोने ही कोई नहीं है जिनको साल हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जिजिया मिलता था रोमन अंपायर से और पर्शियन अंपायर के खजाने उनके कब्जे में थे। उनके लिए मसला था वो गुलाफे काबा पूरी सोने की तार का बना देते। उनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। वो फजूल खर्चियां नहीं करते थे। ये तो फकीह है नास्ते के साहबा गरीब नहीं सन तुहाड़े तो ज्यादा अमीर सन। वो गुंबद भी सोने का बनवा देते जो आपने 650 साल बाद जाके रखा है। हालांकि गुंबद की टेक्नोलॉजी कबलज मसीह है। कुब्बतु सखरा जो है जो डोम ऑफ द रॉक है वो गोल्डन कलर का डोम वो साहबा इकराम की जिंदगी में अब्दुल मलक बिन मरवान जब खलीफा बना उसने बनवाया था। तो वो एक डोम नबी इस्लाम की कब्र मुबारक पर भी रख सकता था। लेकिन उनको पता था मुस्लिम शरीफ में आज हमें हदीस पता है कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से उन पर इमारत बनाने से और उन पर बैठने से। तो इसलिए उन्होंने ये हरकत नहीं की है वरना वो उस वक्त ये कर सकते थे। तो सवाल क्या था? क्या गुलाफे काबा? गुलाफे काबा से मुझे ये बात याद है ये सब फजूल खर्ची है। बिल्कुल गुलाफे काबा सादा होना चाहिए। अलबत्ता गुलाफे काबा सुन्नत है। यानी मुशरिकीन अरब के बारे में आता है कि वो उस वक्त खाने काबे की रिस्पेक्ट के लिए काला गुलाफ चढ़ाते थे। सही बुखारी में आता है। नबी इस्लाम ने उसी को कंटिन्यू रखा है। लेकिन सिंपल गुलाफ ये जो है ना अब तो उससे भी आगे उन्होंने बादशाहों के नाम लिखे होते हैं उसके ऊपर। आप सिर्फ आयतें पढ़ रहे होते हैं हम उन बादशाहों के नाम भी पढ़ रहे होते हैं। बादशाहों के नाम लिखने का क्या तुक बनता है गुलाफे काबा के ऊपर? आपने लिखना है साहबे कराम के नाम लिखे ठीक है फिर खाने काबे के बड़े बड़े दरवाजों के नाम वो किंग फाद डोर और किंग अब्दुल अजीज और ये रखे हैं। यार साहबे कराम के नाम रखे अहले बैत के रखे ठीक है और मुहद्दिसीन के नामों के ऊपर रखे जिनकी को कंट्रीब्यूशन है दीन के लिए तो गलत है। क्या गुस्ले काबा के लिए अतर का इस्तेमाल दुरुस्त है या फिर जमजम से गुसल देना चाहिए? आपका क्या मौका है? जमजम से ही मरहला देते हैं अतर उसमें मिक्स करते हैं वो। जमजम से ही गुसल देना चाहिए। हत्ता के बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को जब शबे मेराज लेके जाने लगे थे तो जन्नत से तश्त लाया गया और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा सीना चाक किया हज़रत जिब्राइल ने मेरा दिल निकाला और उसको उस सोने के तश्त में जो जन्नत से आया था उसमें रख के जमजम के पानी से धोया। तश्त आया जन्नत से पानी जमजम ही सर पानी जन्नत आ नहीं आया। ये जमजम बहुत बड़ी नेमत है और उसमें से खून का एक लोथड़ा रिमूव किया गया और कहा गया ये दुनिया का हिस्सा था। फिर दोबारा से सिलाई कर दी और साहबा इकराम कहते हैं हमने आपके सीने पे वो जो बाईपास ऑपरेशन हुआ हुआ था ना उसके बकायदा आपके सिलाई के निशान देखे हुए हैं। वो इस तरह नहीं जुड़ गया था कि मुजज़ाना तौर पे जुड़ गया बल्कि वो सिलाई के निशान आपके यानी सीने मुबारक पे मौजूद थे। जब आप यानी कमीज ऐसे उतारते थे या कभी चादर तो वो साहबा इकराम ने वो निशान पूरी सिलाई के देखे जो हज़रत जिब्रील ने अपने हाथों से करके जोड़ा हुआ था। तो वो जमजम से था तो जमजम जैसा तो पानी कोई नहीं है।
गलाफे काबा जो खाना काबा को जो गुसल दिया जाता है ना, वो जमजम के अंदर मेरा ला इतर मिक्स करके दिया जाता है। तो ज्यादा ना मिक्स करें करो सर, बहुत फजूल खर्ची है, थोड़ा जा कर लो, खैर है। और यहाँ पे कब्रों पे भी इतर से दिया जाता है, ये उसी को कॉपी किया गया ना, वहां गलाफे काबा चढ़ता है, यहाँ कब्रों मजारों पे कब्रों पे चादरें चढ़ती हैं। तो ये वो, और जब हम समझाते हैं वो कहते हैं देखो जी शिर कितों हो गया जी, अल्लाह की को कब्र है, ये बुजुर्गों की कब्र है, वो कहानियां कराते हो अल्लाह के बंदे हो। बात यह कि जो रिस्पेक्ट अल्लाह और उसके रसूल की है वो आप नहीं करवा सकते। शिर्क की नहीं हम बात करते, ये बिदात है। आप वो क्यों अवेल कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम अपना पसीना मुबारक सहाबा को देते थे, सही बुखारी मुस्लिम में आता है, खुशबू के लिए। तो आधे बुजुर्गों के पसीने ही तो बहुत आंदी है। ठीक है, इसी तरीके से सहाबा इकराम तो नबी अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक और वुजू का धोवन बुखारी मुस्लिम में आते हैं अपने जिस्म पे मलते थे। आप अपने बुजुर्गों का मलेंगे? वैसे मल भी लेते हैं, किसी मेरे मत्थे ना लगी हो मलदे हो ना जेड़े, वो भी गलती करते हो। बस थुक चटाया करो, नाल एक वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाया करो ताकि असीं गोरियां नूं दसीए कि ऐ जिहना ये बिद्दी मुसलमान ने, ये साडे लई मुसलमान नहीं ने, ये कलमा गो मुसलमान ने। ठीक है, हमारी मसाजिद में जो खूबसूरती के ऊपर लाखों रुपया और मीनारों पर लाखों रुपया खर्च होता है, क्या ये हलाल है? टोटली हराम है जी। बुखारी मुस्लिम में क्यामत की निशानियों में से, अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है कि क्यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि लोग फखरिया मसाजिद बनवा। आप भी आप गांव एरिया में देखें, जटों की मस्जिद लादा है, राइयों की लादा है, मुगलों की लादा है। और यहाँ पे भी, यहाँ मैं आपको एक मस्जिद बताऊँ, मस्जिद टोटली उस मस्जिद के अंदर ना हार्डली 50 नमाजी आते हैं, लेकिन साथ मीनार जो है वो 15-16 लाख 8 से 10-12 साल पहले उन्होंने जिन्नी की मस्जिद है ना उड़ा ही बड़ा मीनार नाल खिलाया हुआ है। फजूल खर्ची सिर्फ ये बताने के लिए कि मीनार वाली मस्जिद है जी। कहता जी दूरों पता लग जाए, और सर मीनार देख के को मस्जिद में नहीं आता, आपके स्पीकरों की आवाज ही माशाल्लाह काफी पहुंचाने के लिए। इतने बड़े मीनार बनाने की और पैसे खर्च करने की जरूरत क्या? मस्जिद के टॉयलेट अच्छे बनाए, मस्जिद एयर कंडीशन करें, कालीन अच्छे, यहां पर पैसा लगाए। मीनार के तो कोई तुक ही नहीं बनता, इतना ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगा दिया जाए। छोटे छोटे मीनार आपने बनाने हैं छत के ऊपर, छोटे बोर्ड एक सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर या लोगों को पता चल जाए कि ये मस्जिद है वो ठीक है। इतना ऊंचा मीनार 100-100 फुट, एक बनाता है 90, दूसरा 100 बना जाता है, तीसरा 110 बनाता है, बिल्कुल फजूल है। और याद रखें मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद के अंदर ये जो आराइश करते हैं ना, ये भी हराम है। कई अहादीस इस पे गवाह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया। इससे बढ़ के तो ये है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आपने एक दफा एक मुनक्कस चादर पहनी थी तो आपने नमाज के बाद वो उतार दी और आयशा से कहा कि ये चादर मतलब इसने मुझे नमाज में मशगूल कर दिया। एक और हदीस बुखारी मुस्लिम में आती है कि आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, सामने कोई पर्दा लटका हुआ था जिसपे कोई नक्शो नगार पड़े थे, आपकी अचानक नजर पड़ गई तो आपने फरमाया कि इसको रिमूव करो, इसने मेरी नमाज में मुझे मशगूल कर, मैं तवज्जो। तो ये जो कुछ मस्जिदों के अंदर इन्होंने दरबारी बना दिया मस्जिद को, किस किस्म के रंग और शीशे लगाए होते हैं। इस लिहाज से तबलीगी जमात की मस्जिदें बिल्कुल सादा है। प्राइवेट मरकज में चले जाएं या कई तबलीगी जमात की जो मस्जिदें हो ना ओरिजिनल जमात के मराकज, ज़करिया मस्जिद पिंडी चले जाएं, सिर्फ सफेदी हुई होगी सर, कुछ भी नहीं होगा। और आपको लगेगा आप कोई 700-800 साल पुरानी किसी मस्जिद में आ गए, बार भी उन्होंने सादा ही काम किया होगा। या आप जेलम वाली मस्जिद में चले जाए, टाइलें लगी हुई हैं, पुराने जमाने की जो टाइलें हैं वो अभी तक वही उन्होंने लगाई हुई है जमीन में, जो ईंट नुमा टाइलें होती थी। सादगी होनी चाहिए। अली भाई आज का आखिरी सवाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई मौलाना तारक जमील और मौलाना ताहिरुल कादरी का हजरत माविया इब्ने सुफयान के बारे में क्या मौकफ है, जरा तफसील से बता दीजिए। जगह सवाल आखिरी रखा जाए क्योंकि कतमाने हक हराम है, और कितना अपना अकीदा ही बता दे। अपने ही बताता हूँ, फिरका वारियत के लाने से बाला दर जी, फिरका वारियत के लाने कितमाने हक मेरे भाई ये होता है जो कुरान और हदीस में आए ना वो आप छुपाए ना तो उस पर लानत है। कोई अपने अकीदे छुपाए बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं लोगों को बताऊँ कि जी ए अंदर है कहना जे बाहर है कहना जे, ये कोई दीन नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का क्या अकीदा है और मौलाना तारिक जमील साहब का क्या अकीदा है ये वो खुद ही जवाब दें। बाकी जो उनकी वीडियोस से जाहिर होता है वो तो मतलब जाहिर है कि हजरत अली को हक में मानते हैं और हजरत अली के मुखालफीन को पॉलिटिकल टर्म में बागी मानते हैं। बागी से मुराद काफिर या इस्लाम से खारिज नहीं। वो हदीस है ना बुखारी की, तक्तुलु कफीअतल बागिया 2812, कि अमार तुझे बागी जमात कतल करेगी तो उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा, जमात दोजख की तरफ बुलाएगी। बाकी जो मेरा अकीदा है मैंने बारहा अपने पंफलेटों में भी लिख दिया है कि हम उनको सहाबी मानते हैं लेकिन गैर नबी मानते हैं और मासूम नहीं मानते। जो उनकी गलतियां हुई हैं वो गलतियां हैं, उनकी वजह से उम्मत आज तक सफ़र कर रही है।
और बाकी इस बुनियाद के ऊपर उन पर लानत करना हराम है। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला पर लानत करना हराम है, वो क्लिप आप देख लें, उसमें मैंने खोल के चीज़ें बयान कर दी, ये यकीद है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनको ला के हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली की सफ में ला के खड़ा कर दें ज़बरदस्ती, तो सर वो तो आपके बुजुर्ग भी तैयार नहीं हुए हैं। आप लोगों ने भी नारा हक चार यार ही लगाया, हक पांच यार नारा कोई नहीं है, खिलाफत राशिदा हक चार यार ही कहते हैं, वो चार ही यार हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन वालेहिमुस्सलाम अजमईन। और एक और मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, हजरत मुआविया खलीफा राशिद सवालिया निशान, तो वो मलिक हैं, मलिक हैं, और वो मलिक साहब वाले मलिक नहीं तो, लेकिन बादशाह हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो थे, सहाबी थे, हम अपने साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं करते। बहरहाल जो कुछ उनसे गलतियां हुई जो बुखारी मुस्लिम में आई हैं, मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें, और एक डिटेल लेक्चर है मैं वो कोट करता हूँ, वो ज़रूर देखें, रिप्लाई टू मौलाना इलियास कादरी ऑन हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला, वो दो घंटे के लेक्चर में मैंने कई एक ट्रूथ रिवील करके ऑलरेडी दो घंटे में ये अकीदा रिकॉर्ड करवा दिया। मेरा अकीदा वही है जो बुखारी और मुस्लिम की अहदीस पढ़ के एक आम आदमी को समझ आता है कि वो सहाबी थे, गैर नबी थे, मासूम नहीं थे, उनसे गलतियां हुई हैं, खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत हुई है जिसकी वजह से वो गलती के ऊपर थे, बाकी अल्लाह जाने और उनका मामला जाने। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं सिर्फ हज़रत मुआविया के बारे में नहीं, हर वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा है उनके ज़माने में ये क़यामत तक आने तक कि इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।